असलम एंड वेलकम टू जोर का जोर आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे अनादर डे अनादर शो एंड अगैन डेफिनेटली समथिंग नॉट रियली गुड बिकॉज जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टी ट्वेंटी uh, जो पहला खेला गया उसमें जो परफॉर्मेंस रही क्या क्या फ्लॉस थे क्या क्या मसले थे एंड अगैन हम घूम फिर कैसा लगता है वहीं आ गए हैं वही ओपनिंग पेयर वही डिबेट वही इशू वही मसला टेकिंग इट डीप डाउन एंड नॉट फिनिशिंग योर जॉब बहुत सारे मसाइलें उसके हवाले से डिस्कस करेंगे साथ ही साथ यस चैंपियंस कप टी ट्वेंटी भी जारी है वहां क्या क्या हो रहा है बड़ी खुश नसीब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों की बहुत नजर है पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा इस बहस मुबाइसे में इसलिए चैंपियंस कप टी ट्वेंटी पे जो नजर नहीं जा रही है उस पर भी बात करना जरूरी है कि क्या क्या फ्लॉज है उसपे एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी भी बात होगी मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान और बिल्कुल अभी से कुछ देर पहले फ्यूज मॉडल के बारे में खबर मिली है कि शायद भारतीय मीडिया के मुताबिक से इस पर रजामंद है लेकिन फाइनल का मसला अभी तक और जो दिल्कुण दिल्कुण। हैं उसका भी अपनी जगह पर मौजूद है क्या ये एक आगे बढ़ने का रास्ता होगा पाकिस्तान के लिए या फिर यहाँ से एक और डेड लॉक हो सकता है ये वो सारी चीजें हैं जो जेरे पैसा आएंगी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तमाम मौजूद पर गुफू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब सलाम खान साहब जी वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया आपके इनके साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ रऊफ़ अब्दुल साहब रव सला बहुत शुक्रिया आपका राउू साहब पाकिस्तान हार गया पहला मैच जैसे अभी सवेरा ने कहा कि वही घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए हैं ये क्या मसला है मतलब जॉर्ज लिंडे काबू काबू नहीं आते डेविड मिलर काबू नहीं आते टीम काबू में आती है तो उसके बाद निकल जाती है जॉर्ज लिंडे को हम हैट्रिक कराने वाले थे <laughs> या। और जॉर्ज लिंडे देखें कि वो मेरा ख्याल है कि दो और ढाई साल के बाद उसका कम बैक हुआ और उसके बाद उसने पाकिस्तान की बैटिंग को आउट क्लास करके रख दिया और ये सिर्फ पहला मैच जिस तरह आपने बात की पहला नहीं है बल्कि ये सात मैचेज हुए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ है टी ट्वेंटी में उसके बाद आप जंबावे गए हैं जंब्बावे से एक मैच आ रहा है पाकिस्तान दो मैच वहाँ पे जीते हैं और ये पहला मैच आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सात मैच में से पाकिस्तान पाँच मैच हार चुका है और दो मैचेज अभी तक जीता वो दोनों जंबावे के खिलाफ तो मेरा ख्याल है कि समथिंग वेरी सीरियसली नीड टू बी एड्रेस क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि जिसमें जो टीम सिलेक्शन है वो भी कोई इतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है आप उसमें देखें कि आगा सलमान को कैप्टन बनाना फिर उसकी आउट ऑफ परफॉर्म होना और उसके बाद फिर टीम से भी बाहर कर देना तो ये एक अजीब उसके नाम से वाइस कैप्टन हटा देना एक वो वो और सी वाईस लिखा हुआ था स्क्वाड में भी हट गया देखे ना कि अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया तो फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए एक विजन होना चाहिए आपकी सोच में और उसमें फिर उसको टाइम देना चाहिए

एक बहुत मेजर डिसीजन जिसको बैक नहीं किया गया uh, मोहम्मद हफीज आए तो मोहम्मद हफीज ने बाकायदा इल्तजा करके रिक्वेस्ट करके बाबर आजम से कहा कि नहीं जी आप एक वन डाउन पे आए कि हम किसी और एक ओपनर को चले रिजवान क्योंकि रिजवान तो तैयार नहीं थे हटने के अब तो कैप्टन बन गए रिजवान ऑल पावरफुल रिजवान वापस आकिब जावेद के आने के बावजूद वापस हम उसी स्क्वायर वन पे आ गए हैं लग रहा था कि वो तब्दीलियां करेंगे मगर डरते हैं क्या हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स सीनियर क्रिकेटर्स इन क्रिकेटर्स के सामने कोई डिसीजन लेने से वाई बाबर रिजवान ओपनिंग पेरा क्या नहीं देखें आप अपने डिसीजन को ना खुद ही न्योलीफाई करते हैं प्लान you know, जो आपका था कि जी बाबर ने और रिजवान ने ओपन करनी है और यू कैप्ट ऑन चेंजिंग इवन के ये ज़रूरी नहीं है कि जम्बाव्यू है या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइस एंड क्लियर इन योर माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपके टॉप चार प्लेयर्स हैं hmm. यही जो है ना अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी टीम ये ओपन yes. भी करेंगे नंबर तीन भी आएगा और चार भी आएगा अब अब आप, आप देखें कि साई मयूब की अगर आप बात करें तो साइम जो है ना वो टी ट्वेंटी में प्लेयर टू गो एट नंबर वन और वहां वो एक्सप्रेस करना उसको आता है hmm. उसको वो जो पावर पावर प्ले प्ले का exactly, को, इ, को उसको यूटिलाइज करना आता है एंड ही हैज दिस टू हिट द बॉल जो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिडल और लेग पे होगा ना लेग और मिड विकेट की तरफ बहुत जोर से हिट मारता है एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग तो एकदम आपने उसको ड्रॉ नंबर तीन पर ले आए एंड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिजवान मोहम्मद यहीं पे अब्दुल रोहसा भी जो साइम आए हैं नंबर तीन पर क्या वजह है क्यों पाकिस्तान उस पर जोड़ा हुआ है क्या रिजवान बहसी कप्तान नहीं चाहते हैं कि साइम के साथ वो ओपन करें देखिए जिस तरह अजहर भाई ने बात की ना बिल्कुल इनको ठीक बात इन्होंने की है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी आपके डिसीजन में नहीं है आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना इस तरीके से आप कभी भी आ, आ, आगे नहीं बढ़ सकते देखिए आपको पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि आप दो स्टेप आगे जाते एक स्टेप आगे जाते हैं तीन स्टेप वापस आ जाते हैं बैठो और फिर उसी जगह पे एक साल के बाद आप खड़े रहते हैं इसकी वजह ये क्या है कि आपका जो विजन विजन ही नहीं है आपका आपको पता ही नहीं कि पॉलिसी बनानी कैसे है फिर सबसे बड़ा जिस तरह इन्होंने बात की है कि हफीज आए थे मिसबा आए थे अभी आकिब जावेद आए हैं तो देखिए ये असल चीज असल प्रॉब्लम यहाँ पे है आपकी मैनेजमेंट में देखिए जब आपने किसी को हेड कोच बनाना होता है ना तो आप उसकी एडवर्टाइज करते हैं जिस पोस्ट को उस पोस्ट पे आप अगर देखें तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं कि हेड कोच के लिए ये एजुकेशन रिक्वायर्ड है ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ये उसका तजर्बा होना बै, चाहिए बैकग्राउंड ये होना चाहिए एक्सपीरियंस ये होना चाहिए।, चाहिए फिर उसने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ ग्रास रूट पे उसकी डेवलपमेंट किया किन किन कंट्रीज के साथ कहाँ पे उसने काम किया हुआ ये सारी चीजें हेड कोच के रोज में आ जाती है फिर सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम उसने चलानी

दुनिया के टॉप टॉप सुपरस्टार्स उस दौर के खेल रहे थे खेल रहे थे शेन वान मैग्रा स्टीवा जैसे लोगों को उन्होंने कंट्रोल में रखा अपनी पॉलिसीज दी इम्प्लीमेंट करवाई सारा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बिल्ड किया डोमेस्टिक से टॉप तक और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक स्मूथली उसको चला के लेकर गए हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना उसका वीएन इसमें बिल्कुल भी नहीं क्लैरिटी नहीं है उनको पता ही नहीं है किसको बनाना हमारे साथ दोपहर को एक बंदा कोचिंग लेवल टू कोर्स कर रहा होता है और शाम के वक्त तो पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा होता है मैनेजर लगा होता है नॉन क्लैरिटी की तो बात वहीं से क्लियर हो जाती है कि आप गैरी के स्टेक पे जो है आप आकिब जावेद साहब को लेकर आते हैं टफ डिसीजंस है, लेते हैं मगर वो टफ और इंटरनली कुछ सही नहीं हो रहा है वापस हम उसी स्क्वायर वन पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो टी ट्वेंटी की टीम खेली थी क्यों हम फॉलो अप करके उसी टीम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे टी ट्वेंटी अब हमारा फोकस ट्वेंटी में है

हम आपको में और एक चीज खान साहब इजाफा हो जाता हाँ। हाँ। है हां exactly. वो भी दो टीमें वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पे है ना अब आप आप देखें कि जो टी20 है ना जैसे रोहित ने बात की कि इसकी जो डायनेमिक्स है ना वो चेंज हो गई हुई है अगर आप इस मैच को माइन्यूटली अगर आपने देखा हो ना तो इसमें ना अब एज ए क्रिकेटर मैं अगर देख रहा हूं ना तो मुझे जो 20वां ओवर था ना वो सबसे इम्पोर्टेंट लगा विच हैज चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम बीसवा ओवर वाइल वी वर बोलिंग एज अ बोलर किससे ओवर किया hmm. आपके वो खबे ने लेफ्ट आर्म चाइना मैन ने अब उसने 19 रन दिए hmm. अब उस 19 रन से क्या हुआ कि जो एक मोमेंटम जो होता है ना वो शिफ्ट कर गया किसकी तरफ 155 160, exactly. हाँ। 160 मतलब उससे क्या जाहिर हुआ कि अब पाकिस्तान की टीम के पास कम बैक करने के लिए आपके पहले तीन या चार प्लेयर जो थे ना उनको परफॉर्म करना उनको रन करने थे आपका हमारा जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान वो अगर छत्तीस रन कर रहा है फोर्टी फोर बॉलों में तो मुझे ये बताएं कि माइंड सेट क्या होगा और कहां पर आपकी टीम सेठ गेंदों पर उन्होंने जो चौहत्तर रन बोर्ड